जय हिंद सर। तो स्वागत है चनेका फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में। आज जो लड़की जो पास करके नहीं कल आपका था ना, कल इनका था तो कल वीडियो इनका नहीं बन पाया था, तो आ जाइए हमसे मिलने के लिए। बोल रही थी सर टाइम नहीं मिला था इसलिए आज आ गई हैं मिलने के लिए। और टॉफ़ी है और मिठाई भी है, सेस्टी भी लेकर आई हैं। तो आज चलिए इनसे बात करते हैं इनका अकेडमी में कैसा ट्रेनिंग रहा, गर्दनी बाग में इनका फाइनल में कैसा दौर था और कितना इजी या हार्ड था, इनसे बात करते हैं। छोटी पहले गेट पर थी। तो ये 3 महीना इसी के लिए मेहनत कर रही थी ये, ठीक है, और वही मेहनत आज इनके हाथ में दिख रहा है। तो छोटी पहले सबसे पहले अपना नाम बता दो। गैस के बोलो तो वहाँ तक। मेरा नाम पूर्णिमा सिसोदिया है, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो छुटिए बताओ एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? एकेडमी के बारे में यूट्यूब और कुछ भैया लोग की यूट्यूब के थ्रू पता चला था। तो बताओ छुटिए एकेडमी में कैसा रहा ट्रेनिंग, कई तुम वहाँ फिजिकल पास करके आ गई ये मिला? मेरा पर्सनल ट्रेनिंग हम बताना चाहेंगे कि शुरू शुरू में जब हम आए थे तो ये 300 का जो ट्रैक है ना उसका एक राउंड भी हम नहीं लगा पाते थे। हाथ पकड़ के मेरा दौड़ाते थे कि नहीं दौड़ना है, बिल्कुल तुम्हें स्टेमिना नहीं है। और लास्ट जब हम टाइमिंग दिए थे अपना गर्दनी बाग में, उसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो लास्ट राउंड में हम रुकने लगे थे। तो सुजीत सर को बोले थे सर अब मेरे से नहीं दौड़ा जाएगा, बहुत दर्द दे रहा है। तो लास्ट राउंड में हमको बोले थे कि बेरोजगारी से बड़ा कोई दर्द नहीं होता है। कल वही सोच के हम दौड़े हैं वहाँ पर और बहुत ईजी रहा है क्योंकि हम लोग का वहाँ पर बहुत सारा टाइमिंग लगा है और 100 मीटर हमेशा एक्स्ट्रा दौड़ाया गया, तो कल ईजी लगा कि 100 मीटर एक्स्ट्रा नहीं दौड़ना है। जी सर की बात पे रनिंग की है, बेरोजगारी से भरा कोई दर्द नहीं है, उस बात को अपना दिमाग लगाई और वह अपना राउंड 3 राउंड मार लिए। तो छोड़िए बताओ कि यहाँ पे जब फिजिकल कर रही थी यहाँ हार्ड था लेकिन वहाँ पर इजी, वहाँ इजी लगा। हाँ इजी। बिल्कुल इजी लगा क्योंकि 100 मीटर कम दौड़ना था ना, इसलिए हम बहुत यहाँ पे हमेशा हम ज़्यादा दौड़वाते थे इसलिए ऐसा लग रहा था। छोड़िए बताओ कि वहाँ पर लॉन्ग जंप कितने बार की लगती है? फर्स्ट टाइम में कितना फिट किया? 13 फिट। तो सोचो आप ये कि लड़की लोग जो चनकिया की लड़की लोग है वो लड़का लोग को भी टक्कर दे रही हैं। जो लड़का लोग 12 फीट नहीं होता था वो आज लड़की लोग 13 फीट 14 फीट, आज की लड़की क्या नाम है उसका नाम भूल गए हम, 14+ फीट हाई जंप की है। जो वहाँ के DSP और जितने भी स्टाफ थे वहाँ खड़ा होकर तालियों से स्वागत किया गया उसका। तो 13 फीट आज ये मारी है। तो छोटी ये बताओ कि हाई जंप कितने बार में किया? हाई जंप मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ क्योंकि हम ग्लास पहन के करते, पहली बार में हम रॉड से टकरा गए थे, फिर सेकंड अटेम्प्ट में गलत एक ही बार क्लियर हो गया। तो अब ये बताओ गेट पास मिल गया है, सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ। बहुत खुश हो ना? हाँ, बहुत। और कुछ साथ में है? नहीं, हम ही हैं, हम ही हैं साथ में इसके। और अकेडमी है, टीम वर्क है। तो ये बताओ छोटी अब जो 7 अगस्त से जो बिहार पुलिस का एग्जाम चलने वाला है, ठीक है, उसके डिटेल के बारे में क्या बताना चाहती हैं एकेडमी के बारे में? एकेडमी के बारे में यही बताएंगे कि बाहर की अफवाह को मत सुनिए, आइए पहले एक्सपीरियंस कीजिए क्योंकि यहाँ पे ये लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। कभी डांटते भी हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, और स्पेशली सूरज सर कभी कभी बहुत डांटते हैं तो उसको ऐसे मत लीजिए कि बहुत खरूस है, वो वहाँ पर जाके बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि यही सर है जो मेरा हाथ पकड़ के दौड़ाए थे और बाद में मेरे साथ दौड़े थे आगे। तो आइए पहले देखिए यहाँ पर, उसके बाद फिर देखिए। चलिए तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप वीडियो में लगे बने रहें और नीचे लिखे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूरा जानकारी मिलेगा आपको। बाकी कैंडिडेट जो पास करके आ रही है उनके लिए कि ये है कि जो भी आ रही है यहाँ का काम हो गया है, मेरिट आपके मेंस के नंबर पे बनेगा तो यहाँ के लिए मिठाई जरूर लेके आइएगा। मिठाई नहीं सर, के लिए चॉकलेट जो भी लाना वो जरूर लाइएगा। तो चलिए ठीक है, तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है, हमारा ऑफिस है बाजार समिति मेन गेट के पास ATM के बगल में, और हमारा ट्रेनिंग सेंटर है गांधी मैदान गेट नंबर 7 के सामने, वहाँ पे आपका फिजिकल चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।